होशंगाबाद कोठी बाजार स्थित पीपल चौक पर अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के लगभग 50 अतिथि शिक्षक द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार निधि चौकसी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य संरक्षित करने हेतु कहा, जिसमें बताया मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक बहुत ही अल्प मानदेय पर विगत 13 वर्षों से सेवाएं देते आ रहे हैं, जिनको जुलाई अगस्त में सेवा लेकर कभी भी सेवा से पृथक कर दिया जाता है। 13 वर्ष सेवा करने के बाद अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। असुरक्षित भविष्य और आर्थिक मंदी की वजह से अभी तक 50 अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। अतः अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर 12 माह का सेवा कार्य करते हुए भविष्य सुरक्षित करने की कृपा करें। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही SDOP मंजू चौहान, होशंगाबाद कोतवाली थाना प्रभारी संतोष सिंह चौहान, देहात थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव, पवाई थाना प्रभारी आशीष पवार एवं अन्य नायब तहसीलदार श्रीजान साहब मौजूद रहे। दुर्गेश परमाल की रिपोर्ट। है कि सरकार उपचुनाव से पहले जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले हमारे विषय में नीति बनाए और जल्द से जल्द हमें स्थायी करने का एक प्रावधान तय करे, और अगर उससे पहले अगर इतने कम समय में नहीं हो पाता है तो सरकार कम से कम अभी हमें 12 माह का सेवा कार्यकाल दे दे और हमारी वेतन विसंगति को दूर करे, हमारे जो रिक्त पद को जो स्थायीकरण में है तो वहाँ जिस जगह हम कर रहे हैं अभी वहाँ हमें रिक्त नहीं दिखाई।